नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा, देश में अंगदान के लिए सरकार एक समान नीति पर काम कर रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत जिस गति से सौर ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है वो बड़ी उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा, नारी शक्ति की ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए लोगों से सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से 36 उपग्रहों के साथ LVM3M3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया। सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफ्सपा के अंतर्गत कई इलाकों को अशांत क्षेत्रों की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया। दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज निकहत जरीन और लवलीना बुरगोहाई अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी और मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में आज उन्होंने कहा कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या काफी अधिक है जो अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्र सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि अंगदान के लिए राज्यवासी होने की शर्त को हटाने का निर्णय लिया गया है। इससे लोग किसी भी राज्य में अंगदान के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे। देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15000 से ज्यादा हो गई है। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने पंजाब में अमृतसर निवासी सुखबीर सिंह संधू और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर से भी बात की। उन्होंने अपनी 39 दिन की बेटी के निधन के बाद उसका अंगदान किया था। प्रधानमंत्री ने झारखंड के अभिजीत चौधरी से भी बात की, जिनकी मां स्नेहलता चौधरी ने 63 वर्ष की उम्र में अपना हृदय, गुर्दा और लीवर दान किया। प्रधानमंत्री ने अक्षय ऊर्जा के संबंध में कहा कि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की असाधारण सफलता दुनिया भर में चर्चा का विषय है। भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में पुणे का उदाहरण दिया, जहां एक हाउसिंग सोसाइटी ने पेयजल, लिफ्ट और रोशनी के लिए केवल सौर ऊर्जा के उपयोग का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दीव भारत का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां दिन की सभी जरूरतों के लिए केवल सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजना से लगभग 52 करोड़ रूपये की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के अवसर पर कई प्रमुख महिलाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में स्त्री शक्ति की बड़ी भूमिका है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। हमारी बेटियां आज भारत और भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही है। नारी शक्ति की यह ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। प्रधानमंत्री ने सुरेखा यादव की चर्चा की, जिन्होंने एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनकर कीर्तिमान बनाया है। सुश्री सुरेखा वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट हैं। श्री मोदी ने ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्परर्स की निर्माता गुनीत मोंगा और निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस की भी चर्चा की। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की वैज्ञानिक ज्योतिर्मयी मोहंती का भी जिक्र किया, जिन्हें रसायन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IUPAC का विशेष पुरस्कार मिला है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने भी विश्व कप जीतकर
इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि नागालैंड में 75 वर्ष में पहली बार दो महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की जांबाज बेटियों से मुलाकात की, जिन्हें भूकंपग्रस्त तुर्की की मदद के लिए भेजा गया था। श्री मोदी ने सेना के तीनों अंगों में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही देश की बेटियों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में काशी तमिल संगमम की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि एकता की भावना को केंद्र में रखकर 17 से 30 अप्रैल तक गुजरात के अलग अलग हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने असम के नायक लाचित बोरफुकन की चर्चा की, जिनकी इस वर्ष 400वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लाचित की बहादुरी के कारण गुवाहाटी को मुगल सल्तनत से आजाद करा पाना संभव हुआ। प्रधानमंत्री ने कश्मीर की डल झील में पैदा होने वाले कमल ककड़ी से तैयार किए जा रहे स्वादिष्ट व्यंजन नादरू की चर्चा की। उन्होंने कहा कि नादरू की मांग लगातार बढ़ रही है और इसके उत्पादकों ने एक अलग संगठन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने कश्मीर में डोडा जिले के भद्रवाह में सुगंधित फूलों की खेती की चर्चा की, जिससे लगभग 2500 किसान जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का महीना शुरू हो गया है और अगले कुछ दिन में रामनवमी भी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी बहुत दूर नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि अप्रैल के महीने में दो महान विभूतियों महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल में इन दोनों महापुरुषों से सीखने और प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों में 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर बहुत अधिक उत्साह है। उन्होंने 100वीं कड़ी के लिए लोगों से सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया कि कुछ जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के LVM-3M3 उपग्रह सहित वेब इंडिया 2 मिशन के 36 उपग्रहों का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि वन वेब इंडिया 2 श्रेणी के पहले 16 उपग्रहों को निर्धारित योजना के अनुसार तय कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। शेष 20 उपग्रहों को भी जल्द ही निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने इसरो के प्रयासों के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अस्पा के अंतर्गत कई इलाकों को संवेदनशील क्षेत्रों की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह फैसला पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए लिया गया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2014 के मुकाबले 2022 में उग्रवाद के मामले 76% कम हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के उच्चायुक्त को कल तलब कर कनाडा में भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावास पर इस सप्ताह अलगाववादियों और चरमपंथी तत्वों की कार्रवाई को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सरकार ने जवाब मांगा है कि पुलिस की उपस्थिति के बावजूद ऐसे तत्वों को राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा भंग करने की अनुमति कैसे दी गई। इस संबंध में उच्चायुक्त को बताया गया कि कनाडा सरकार को वियना संधि के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करना आवश्यक है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली से धर्मशाला के बीच उड़ान भरने वाली पहली इंडिगो फ्लाइट को दिल्ली से रवाना किया। इस मार्ग पर इंडिगो प्रतिदिन अपनी विमान सेवा उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराकर इंडिगो वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीय एयरलाइन बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उड़ान योजना के कारण अब हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी सिविल एविएशन की मार्केट बनी है। इस विभाग ने मात्र 70 एयरपोर्ट से 140 से ज्यादा एयरपोर्ट करने का काम किया है। ये छोटी बात नहीं, जो 60 साल में नहीं हो पाया था वो 8 साल में करने का काम किया है।
श्री सिंधिया ने कहा कि विमानन क्षेत्र में पिछले 65 वर्ष में जो काम नहीं हुआ वो पिछले 9 वर्ष में किया गया है। कनेक्टिविटी के आधार पे ही किसी क्षेत्र का विकास और प्रगति हो सकता है और प्रधानमंत्री जी की ये सोच और विचारधारा है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी और रीजनल कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी हमको लानी होगी, नागरी विमानन सेवा में वृद्धि हमको लानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के मरीजों की बढ़ती संख्या पर कड़ी निगाह रखने को कहा है। मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि कोविड और इन्फ्लुएंजा में कई समानताएं हैं, ये तेजी से फैलते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके लक्षण भी एक जैसे होते हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन बीमारियों को स्वास्थ्य से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन कर रोका जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घणघस और स्वीटी बूरा ने स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। प्रतियोगिता में आज 50 किलोग्राम लाइट फ्लाईवेट वर्ग के फाइनल में भारत की निकहत जरीन का सामना वियतनाम की ग्वेन थी टैम से होगा। 75 किलो मिडिल वेट वर्ग में लवलीना बोरगोहाई स्वर्ण पदक के लिए ऑस्ट्रेलिया की एनी कैटलिन पार्कर की चुनौती का सामना करेंगी। मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर मैच में यूपी वॉरियर्स को 72 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। स्विस ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन के रेन शियांग यू और तान क्यांग यू की जोड़ी से होगा। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के आंग यू सिन और तियो यी यी की जोड़ी को 21-19, 17-21, 21-17 से हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में झांसी का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन झांसी और आसपास के इलाकों में और अधिक पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियां सुनिश्चित करेगा। झांसी से लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में अत्याधुनिक स्टेशन बनाने के प्रयास में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। झांसी से लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा ने प्रधानमंत्री को बुंदेलखंड के लोगों के लिए झांसी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की स्वीकृति देने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 84वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में शामिल पुलिस जवानों की सराहना की है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में CRPF कैंप में ये परेड पहली बार आयोजित की गई थी। CRPF के प्रभावी और ऊर्जावान जवानों ने इसमें भाग लिया था। CRPF के ट्वीट की प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने कहा कि CRPF का ये अद्भुत प्रदर्शन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में अंगदान के लिए सरकार एक समान नीति पर कार्य कर रही है। मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा, भारत जिस गति से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है वो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा, नारी शक्ति की ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए लोगों से सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया। इसरो ने श्री हरिकोटा से 36 उपग्रहों के साथ LVM3M3 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अस्पा के अंतर्गत कई इलाकों को अशांत क्षेत्रों की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया। दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहाई अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी और मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।